हेलो एवरीवन, आई एम अभय पाटीदार। फिलहाल हुई गेट 2022 एग्जामिनेशन में मेरी ऑल इंडिया रैंक 78 लगी है सीएससी के अंदर। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 7 रीजंस टू राइट द गेट एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला हम लोगों का होता है आईआईटीज और एनआईटीज का बैकग्राउंड। तो हम लोग जो जहाँ पर जेईई में रह गए थे, जहाँ पर हम लोगों को आईआईटी का टैग नहीं मिल पाया, जहाँ पर हम एक बेटर कॉलेज की उम्मीद में नहीं जा पाए, आज वो मतलब गेट के थ्रू हम लोग वो मतलब आराम से क्लियर कर सकते हैं और किसी एक आईआईटी में जाके स्टडी कर सकते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट देख सकते हैं, एनआईटीज का नेटवर्क मिलता है। फिर सेकंड में बात करूँ तो हम लोगों को प्लेसमेंट्स में हेल्प मिल जाती है। अगर आप एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, अगर आप थर्ड ईयर में अच्छे से पढ़ चुके हो, आप गेट में काफ़ी अच्छा स्कोर कर चुके हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप फोर्थ ईयर में अगर प्लेसमेंट बैठते हो, इफ़ बैठते हो, और अगर आप आईआईटीज के लिए नहीं जाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इंटरव्यूज़ में, जो टेक्निकल इंटरव्यूज़ होते हैं उनके अंदर, और साथ में जो टेस्ट होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है टेस्ट के अंदर DBMS, OS, SS bits आते हैं, C आता है, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। थर्ड अगर मैं देखूँ तो हम लोगों को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, मतलब जहाँ पर आप कहीं पर JEE में नहीं कर पाए थे चीज़, आप ऑल इंडिया रैंक 78 आए हो, या फिर आप एक अच्छी बहुत अच्छी रैंक लेके आए हो, गेट क्लियर कर चुके हो, तो आप एक गेट क्वालिफाइड पर्सन का रिकॉग्निशन आपको मिलता है। फोर्थ अगर मैं देखूँ तो आपको भी पता है जो भीड़ सीएससी के अंदर आजकल चल रही है, कंप्यूटर साइंस के अंदर है, तो आपके अगर क्लियर कॉन्सेप्ट्स होते तो आपका जो रियल इंजीनियर है, आपका रियल कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, आप वो कहला सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली आज क्लियर कॉन्सेप्ट्स नहीं होते बच्चों के पास, क्योंकि कॉलेज में शायद फैकल्टीज इतने प्रॉपर ना पढ़ा पाए, या फिर खुद बच्चे ना पढ़ पाए, तो उसके बेसिस पे फिर आप कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। फिफ्थ में देखो तो आप लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंडस्ट्री में रहने के लिए। फिर सिक्स्थ अगर मैं देखूँ तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट एंड नॉलेज बेस। और अगर आखिरी पॉइंट में देखूँ तो आपको एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क मिलता है टैलेंटेड लोगों का, आपके पूरा एल्यूमिनाई जो होता है, आपके दोस्त जो होते हैं, पूरा बहुत अच्छा नेटवर्क बन चुका होता है आप लोगों का। तो दिस आर द रीजंस यू शुड प्रिपेयर फॉर द गेट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।